देश भर में शुक्रवार को विजयदशमी दशहरा पर्व को धूमधाम से मनाया गया। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया गया। वहीं कस्बा गोवर्धन में भी रामलीला के अंतर्गत श्री राम और लक्ष्मण के स्वरूप में भयंकर युद्ध में अहिरावण नारांतक और रावण के अन्य वीर योद्धाओं के साथ अंत में रावण का वध किया, जिसके बाद रावण के लगभग 55 फीट ऊंचे पुतले में रामचंद्र जी द्वारा तीर चलाकर आग लगाई गई और बुराई के प्रतीक रावण का पुतला धू धू कर जल उठा, जिसे देखने के लिए कस्बे और आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में बूढ़े बच्चे स्त्री पुरुष रामलीला मैदान पहुंचे। जैसे ही रावण के पुतले में आग लगी, भगवान श्री राम लक्ष्मण की जय जयकार के नारे लगने लगे। सियापति रामचंद्र की जय के नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। इस अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए गोवर्धन थाना प्रभारी रविंद्र बाबू और उप निरीक्षक सतीश कुमार सहित तमाम पुलिसकर्मी रामलीला मैदान में मौजूद रहे। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष गौतम खंडेलवाल व उपाध्यक्ष लक्ष्मण मुखिया एवं महामंत्री विष्णु अग्रवाल ने सभी रामलीला सहयोगियों कलाकारों मीडिया कर्मियों तथा पुलिसकर्मियों का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और दुपट्टा पहनाकर सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर रामलीला में अपना सहयोग प्रदान करने वाले तमाम कलाकारों के साथ साथ रामलीला कमेटी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। डीडी शर्मा गोवर्धन समाचार 24। देखिए, ये वर्षों पुरानी परंपरा है जो कि चली आ रही है। उसी परंपरा का हम लोगों ने जो बुजुर्गों के द्वारा दी गई हमें एक संस्कृति है, उसी संस्कृति को हमने आगे निर्माण करते हुए और आचार्य अशोक विश्वामित्र जी स्वामी जी के निर्देशन में इनके सानिध्य में हमारी पूरी टीम ने इस भव्य आयोजन का व्यवस्था की। बहुत अल्प समय में सारी व्यवस्थाएं हुई। सबसे बड़ा सहयोग हमारी क्षेत्रीय जनता का, जो इतना प्यार मिला, इतनी जो जनसमूह था, इतना जनसमूह आज तक कभी भी अब से पूर्व की रामलीलाओं में नहीं आया। इतना लोगों ने बड़े आनंद के साथ में इस मंचन को देखा। जैसा कि रामबरात निकले से तो मंचन हुआ, उसके बाद आज यहाँ पे भव्य रावण दहन हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो लीलाओं के एक अभिन्न अंग है। गोवर्धन में हमारे यहाँ सेतु लीला का बहुत भव्य मंचन हो सकता है और आगे आगे आने वाले समय के अंदर हम इसको और अच्छा भव्य तरीके से करेंगे। अब की बार हम लोगों ने 21 घाट को सजाया था और उसमें विभिन्न प्रकार की 11-12 झांकियों का मंचन किया गया था, जिसमें पूरी क्षेत्र की लाखों जनता ने उसमें आनंद लिया। और ये प्रभु की लीला है, इसमें हमेशा मैं तो अपने क्षेत्र के तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अपने इसमें सहभागिता बढ़ चढ़ के लें, इसमें हिस्सा लें और सब लोग इस भगवान के इस यज्ञ में आहुति दें। आज के बाद आगामी रामलीला में क्या क्या लीलाएं रहेंगी? देखिए, कल की राजगद्दी है और उसके बाद परसों, अभी हमारी कमेटी विचार कर रही है क्योंकि लवकुश कांड अभी हुआ नहीं है काफी समय से, तो लवकुश कांड की भी हमारी योजना है कि लवकुश कांड भी करेंगे।